Hey guys, welcome back to my new vlog and today's होली. So आज होली का दहन मतलब कलर्स वाली तो कल है. आज 24 है ना. मैं हो गई हूँ रेडी मेकअप शेकअप करके. एंड पता है मेरे सूट, मैंने सोचा था मैं येलो सूट पहनूंगी जो मैं सिलने के आई थी, बट वो नहीं आया तो मुझे ये पहनना पड़ा. ये ड्रेस रखी हुई थी मेरी, अभी आपको फुल दिखाऊंगी. वेट गाइज, अपना पूरा आउटफिट दिखा देती हूँ आपको कंप्लीट. ये एंड ये, अगर मैं इसको कहीं पे वैसे पहनती ना, इसको अलग से पहन सकते हैं, ये अलग से है श्रग. बट यू नो मेरी ससुराल गांव में है तो गाइस मैं इसको श्रग को पहन के जाऊंगी. बट अगर हमें कहीं वैसे जाना है ना, किसी पार्टी फंक्शन में, तो हम जा सकते हैं. एंड मैं इसलिए लाई थी कि मैं इसे दोनों तरह से पहन सकती हूँ, जैसे मेरा मन करेगा. और देखो ये तो मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है इन चूड़ियों को देख के. ये सासुओं के पास रखी थी और मैच भी हो गई, वरना मैं वही रेड चूड़ी डालती हूँ. मेरे पास बस चूड़ा है, चूड़ी है बट खरीदती नहीं हूँ मैं. और कपड़े भी ऐसे हैं, बहुत हैवी भी नहीं लग रहा पहन के, बहुत हल्का हल्का लग रहा है. गाइस मैं नीचे आ गई हूँ और देखो आपको मेरी मैचिंग मैचिंग चूड़ी भी दिख रही होगी. ये चूड़ी ना सासू मोम के पास रखी हुई थी, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी चूड़ियाँ रखी हुई हैं तो मैंने पहन ली. बट मैंने ना इससे पहले अपने फ़ोटो खिंचा लिए थे और इंस्टा पर डाल भी दिए, ये बाद में मिली इसलिए फ़ोटो में अब चूड़ियाँ नहीं है, रेडी है. बट ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब मैचिंग मैचिंग हो गया ना. एंड ड्रेस तो आपने देख ली, पता मैं ये पहन, मैं ये पहनने नहीं वाली थी, येलो अच्छा लगता क्योंकि त्यौहार पर नेवी ब्लू या ब्लू कोई भी है जो भी है. इसका दुपट्टा मैंने अलग से लिया था, ये ड्रेस आई थी इसे मैंने ड्रेस मंगाई थी फ्लिपकार्ट से. और अभी हम बैठे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे पूजा करने. कहाँ कहाँ जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी फिर. देखो मैंने मेकअप भी किया है बट मैंने ना थ्रेडिंग नहीं कराई. देखो अभी ना शादी है ना एक हमारे घर में, मैं तभी कराऊंगी, अच्छे से ग्रोथ आ जाएगी. तो अभी सासू मांग गई हैं होली पूजने, तब तक वो आएंगे तब तक मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि फिर हम जाएंगे देवताओं पर पूजा करने. तो मैं वहाँ पे जाऊँगी क्योंकि होली तो मैं पूजूंगी नहीं, क्योंकि होली वो पूजते हैं ना जिनके बेटे होते हैं. मुझे ये बात अभी पता चली, आज ही पता चली. गैस अभी चाय बन रही है और टाइम पता बहुत हो गया, 1 बज गया. जल्दी जाने वाले थे बट किसी रीज़न की वजह से लेट हो गए. तो हमने बहुत जगह तो पूजा कर दी, अभी हम और जगह जा रहे हैं. और देखो यहाँ पे धूल इतनी उड़ रही थी ना, मैं सोच रही थी अगर हम बाइक से आते तो हमारी क्या हालत हो जाती इस धूल में. अच्छा हुआ हम कार से आए हैं क्योंकि वो हमेशा मुझे बाइक से लाता है, बट इस बार ज़्यादा धूल लग रही है मुझे, पता नहीं कैसे. कुछ हवा भी आज बहुत तेज है. तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह. तो गाइस अब हम आए हैं दूसरे देवताओं पे, दिखाती हूँ. वेट चल, तो तू प्रसाद चढ़ा दे बेटा, प्रसाद चढ़ा दे एक भी तो यहाँ ना. चलो जो काम दी मैं सब जगह प्रसाद चढ़ा दे, सब देवतान पे सब पे अतिलक चला दे. पीपल को मुँह ना दी फिर बैठी अब फिर कहा मुँह ना दी है रुक ना खाए करे जब प्रसाद आपका दूध दो आपका दूध दो जब प्रसाद चढ़ाए करे. हवा चल रही आज ज्यादा. हाँ 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 तेरा ही बहुत दूर तक उड़े फिर लकड़े वाला उड़े. अच्छा लग रहा है तो सुंदर लग रहा तो सुंदर लग रहा है. चल अपन लेन पर चढ़ा दे बहुत जोर जना रही. चल तू लग लगा दे इनके सबको
घूम रहा और बहुत भाव खा रहा है और हंस रहा है बहुत खराब है बहुत भाव। इसने हमारी कहीं भी वीडियो शूट नहीं करी। बस गाड़ी से मतलब देखा अभी भी साफ करने में लगा पड़ा है धूल में उसे फिर धूल में रोक दी। छोड़ ले दम तो दम ज्यादा है नंदी का डेट ले क्या कर दिया उनका नया सूटा भी तो और जगह भी पूजा करनी थी। लग जाओगी भाई मैं चप्पल पहन लू पापा तैयार हो गया देखिए कुछ लगा के आए बट्टी में दोनों पानी गब्बर नहीं नचता इधर देखो पानी आ गया मेरे साबुन दे दे लगा भी खुद रहे हटाने की साबुन भी दे रहे तुम तो ना ले रहे अपना बोल।
गर्दन छुप गए, देखो हमारे लगाते मैं गुल्लू अंदर घुस गए। ओए हम सूट के साथ भी होली खेल ली मैं मन। गाइज मम्मी और मोहित की प्लानिंग चल रही है, देखो मम्मी और मोहित प्लानिंग पार्ट टू, पार्ट वन सक्सेसफुल, अब चलेगा पार्ट टू। मम्मी गाली देते हुए गाइस, ये बड़े ताऊ का घर है और ये उनसे बड़े ताऊ का घर है और ये हमारा घर है और अब चल रहा है काम पार्ट टू। झूठी नहीं है कुछ तो नहीं पता ना लगा ताऊ को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बब्बर रंग लगा दिया उसे देख लो तो देख कर हम कर कर रखे ही कर गया और किस तरह कौन खेल आया तुम्हारे वाली भी पूरा मजा ले रही मम्मी लाइक ना ना बाहर को ले बाहर को बाहर को बाहर को ले मित्र। गाइस मैं अंदर हूँ और बाहर होली चल रही है, मैं तो अंदर आ गई, मुझे नहीं लगवाना, मुझे ना कलर से तो इन्फेक्शन है, एलर्जी मतलब ऐसी एलर्जी है, छींक आने लग जाएगी, ऊपर से ठंड लग गई तो भी छींक आने लग जाएगी, मुझे इतनी सारी एलर्जीज है मैं नहीं जा सकती भाई। और यहाँ पे तो नॉर्मल होली भी नहीं खेल रहे, काले तेल से होली खेल रहे हैं, शायद गुल भी खेल रहा है, तो मैंने तो अंदर घुस के गेट लगा लिया। मुझे आज शुगर मिले ये सामने गाइस देखो ये बिरयानी है, इसे तो जानते होंगे तुम है ना। हैं आज जोड़ लो बोल के रहा इस टाइम घूमने का मन था इसलिए आया। मिलने भी बढ़िया आ रहा है, इतना सुंदर गांव है हमारा, नहीं कैसे कह रहे हैं लोग बहुत सुंदर ज्यादा सुंदर। आज मैंने बनाया छोले चावल होली पे क्योंकि मेरा मन कर रहा था छोले चावल खाने का, चावल तो बनते ही हैं तो मैंने सोचा मैं छोले बना लेती हूँ। और आज लेट हो गए देखो 8 बज गए क्योंकि छोले लेट भी हुए थे 6 बजे, फिर थोड़ा टाइम भी लगता है बनाने में और अब मुझे उसके बाद पढ़ना है, फिर मैं पढ़ूँगी, अभी मुझे बहुत ही भूख लग रही है, मैं खा लेती हूँ। कैसे बढ़िया लग रहे ठीक है फिर तो।